पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सर्वप्रयास वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा 23 दिसंबर को चौथे लिहाफ वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामलीला मैदान स्थित चिल्ड्रन एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 400 निर्धन और वंचित पात्रों को लिहाफ का वितरण किया गया। लाभार्थी पात्रों का चयन संस्था के विभिन्न सदस्यों के द्वारा घर घर जाकर उनकी आर्थिक स्थिति को स्वयं जानकर पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के संरक्षक मंडल के सदस्य सुधांशु कौशिक के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एवं नवीन परिपाटी के तहत वहां उपस्थित लाभार्थियों में से सबसे बुजुर्ग महिला और पुरुष के द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के द्वारा कराया गया। कार्यक्रम में महानगर के विधायक रितेश गुप्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने लिहाफ वितरण के कार्य को अपने हस्तकमलों से शुभारंभ किया। इस दौरान बताया गया कि सर्वप्रयास संस्था द्वारा जिस प्रकार से विभिन्न सेवा कार्य किए जाते हैं वो अत्यंत ही सराहनीय है, उसके लिए संस्था वास्तव में बधाई की पात्र है। ये बहुत अच्छा काम उनके द्वारा इस समाज में किया जा रहा है। सर्वप्रयास वेलफेयर सोसाइटी हमेशा से समाज सेवी कार्य करने में अग्रिम भूमिका में रही है और मेरे को आज इस कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक वे से इस कार्यक्रम को वो लोग आयोजित कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग इस संस्था को सहयोग कर रहे हैं उन सबको मंच पे स्थान देने के साथ साथ उनके मन के उद्गार जानने के लिए उनको मंच पे माइक पे बुलाया जा रहा है। बहुत अच्छी पहल सर्वप्रयास वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ये की जा रही है। तो आप सबसे जो सामने बैठे हैं इनसे मैं ये मैसेज दूंगा कि हमेशा वो ये सोचें कि हमारा हाथ हमेशा यूं रहेगा। तो जीवन में जो भी आपको प्रयास करने हैं वो ऐसे करने हैं, और मेरे साथियों से भी मेरा निवेदन है कि हम सब मिलके ऐसे भारत का निर्माण करेंगे कि हम जब आवाज दें तो कोई कोई लेने वाला ही ना मिले। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे ये मंच मिला ताकि मैं देख सकूं, यहाँ पर बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे निस्वार्थ भावना से सेवा की जा रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो भी मंच पे यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, ईश्वर सबको आशीष और बरकत दे ताकि वे खुले दिल से ये सेवा करते रहें। और मैं भी चाहूंगा कि इस मंच के द्वारा सेवा का मुझे मौका मिले और मैं प्रण करता हूं कि मैं सेवा करता रहूंगा। बहुत ही सराहनीय कार्य है, आज मुझे बुलाया गया है, मैं आभार प्रकट करता हूं इस संस्था का। और बस मैं यही कह सकता हूं कि ये संस्था इस तरह के कार्य लगातार करती रहे और तब तक करे जब तक कि, जैसा भैया ने कहा कि जब हम बुलाएं किसी को लेने के लिए तो कोई लेने वाला ना रहे। धन्यवाद। संस्था के महासचिव उदयभान सिंह ने संस्था के द्वारा वर्ष भर में निरंतर किए जाते रहने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में संस्था के विभिन्न सहयोगियों जिसमें प्रमुख रूप से राइजिंग चिल्ड्रन एकेडमी के संचालक अनुपेंद्र सिंह, महानगर की अग्रणी सेवा संस्था यस सुनील कुमार शर्मा, टेम्पटेशन से करण सिंह, अमित रहेजा, देवनाथ आदि का विशेष सहयोग रहा। संस्था के अध्यक्ष संजीव शर्मा और वित्त सचिव धीरज गुप्ता के द्वारा कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान सभी ने अपने विचार रखे। ये हमारे लिए बहुत सम्मान का विषय है कि हम इस तरीके से हमारी सोसाइटी जो है वो समाज के किसी काम आ रही है। अनुपेन जी ने हमें इस लायक समझा कि हम अपना सहभागिता इस कार्यक्रम में कर सकें। इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो भी हमने सहयोग करा है वो सोसाइटी ने अपने बजट से नहीं करा है, ये हमारे एक एक एक्सपोर्टर ने अपनी तरफ से इसके लिए पैसे दिए हैं। तो हर आदमी की ये भावना है कि वो किसी ना किसी तरीके से सोसाइटी का सहयोग करे, और आगे भी मैं आप सभी को इस बात का वायदा करता हूँ कि जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम हर तरीके से आप लोगों के साथ हैं। और मैं हमेशा ये वादा करता हूँ अनुपेंद्र जी से
कि कभी भी मुझे वो अगर याद करेंगे तो हमेशा मैं कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। इनवाइट किया और इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहूँगा कि वो मुझे आगे भी ऐसे बुलाते रहें, जिससे मैं अपना कोई भी सहयोग इनको हमेशा ही देता रहूँ, अपना सहयोग करूँगा। धन्यवाद आपका बहुत। हमारी जो सर्व प्रयास संस्था है, जैसा कि नाम से आपको विदित है, सभी के प्रयास से यह संस्था चलती है। और सबसे बड़ी बात है, यह कोई भी सरकारी सहायता के बिना चलने वाली संस्था है। और इस संस्था के द्वारा पूरे वर्ष विभिन्न प्रकार के सामाजिक और समाज सेवा के कार्य चलते हैं, जो गरीबों बच्चों को स्टेशनरी वितरण, कपड़े वितरण और इसी प्रकार जो आज का कार्यक्रम है लिहाफ वितरण का। जब शीत ऋतु चालू होती है तो हमारी संस्था द्वारा लिहाफ वितरण का कार्यक्रम किया जाता है।